नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डेस्क, नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा ने कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर शुक्रवार को अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने में खुशी होगी, लेकिन अभी तक मेरे पास पार्टी की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है। अलका ने कहा कि कांग्रेस से कोई बुलावा आता है तो ये उनके लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि बिना बुलाए मेहमान का कहीं स्वागत नहीं होता है। अलका लांबा के बयान के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं। वो NSUI राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष रह चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई मौकों पर पार्टी छोड़कर चले गए, यदि वो वापस आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। बता दें कि अलका लांबा काफी समय से आम आदमी पार्टी छोड़ने पर विचार कर रही है। अलका की आप पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से भी अनबन चल रही है। केजरीवाल ने कुछ समय पहले उन्हें ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अलका को व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया था। इससे पहले दिसंबर में दिल्ली विधानसभा में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न सम्मान वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद विवादित बयान देकर सिख दंगों को भड़काया था। हालांकि आप नेताओं ने मीडिया में हड़कंप मचने के बाद बात बदल लिया था। पार्टी ने सफाई पेश करते हुए कहा कि जिस प्रस्ताव को पेश किया गया था उसमें राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की लाइन बाद में जोड़ी गई थी और वह मूल प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थी। इसके बाद से ही अलका और आपके बाकी नेताओं में विवाद पैदा हो गया था।